अस्सलाम वालेकुम। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम काहल रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं। इसको काहल या काहल, हम यहाँ पे काहल ज़्यादातर बोलते हैं। ये गांव का नाम है। इस वक्त हम काहल गांव में मौजूद हैं और जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा था कि चौंतरा रेलवे स्टेशन पे थे हम। पिंडी से आते हुए तरनौल के बाद बीच में बंडन रेलवे स्टेशन है कुबाल का, और उसके बाद फतेहजंग जो मेन बड़ा रेलवे स्टेशन है, उसके बाद चौंतरा का मैंने आपको वीडियो दिखाई जो कि बंडन रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर कोई स्टेशन का अमला मौजूद नहीं है और वो बिल्कुल बंद है। उसके बाद ये अगला काहल रेलवे स्टेशन है क्वाड की तरफ जाते हुए, और ये भी बंडन रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे भी रेलवे का कोई अमला मौजूद नहीं है, लेकिन ये भी मुझे बहुत पुरसकून और काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे कुछ फर्श पक्का नहीं है साहब, मैं अभी आपको आगे वीडियो में आप देखेंगे कि ये मिट्टी है, सारा मिट्टी का, लेकिन प्लेन ग्राउंड सा है और एक छोटा सा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन है। बीच में इमारत है, एक छोटी सी मस्जिद है, नलका लगा हुआ है और कुछ बेंचेस हैं, और ये रेलवे का अपना जो बोर्ड होता है, ये दो बोर्ड लगे हुए हैं माशाल्लाह से। इनका रंग भी ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई रंग वगैरह इसको करता है, लेकिन यहाँ पे कोई स्टेशन स्टॉप नहीं है, यहाँ पे रेलवे का अमला मौजूद नहीं है। ये फ्लाई के दरख्त और ये टाली का दरख्त, टाली और फ्लाई के दरख्त के बीच में घिरा हुआ है। ये छोटी सी मस्जिद आपको नज़र आ रही है, ये स्टेशन की ओर देख लें कि कितना खूबसूरत सुकून सा रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे पिकनिक बनाई जा सकती है। एक नलका लगा हुआ है, इसको देखते हैं कि ये काम करता है कि नहीं। ये बेंचेस हैं, पिछले हमें चौंतरा में कोई रेलवे बेंचेस नज़र नहीं आए। ये स्टेशन मास्टर साहब का कमरा, ये पाकिस्तान रेलवे का बेंच। इधर चीज़ें इस तरह से पड़ी हैं कि लगता है या तो ये इन्होंने चलाया कुछ अर्से के लिए दोबारा। जंक्शन भी निस्बतन ठीक है, राइटिंग मौजूद है, वरना आमतौर पर बंडन स्टेशन की सब कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती। ये बेल लगी हुई है, बेल भी मौजूद है। ये आपको काल का रेलवे स्टेशन दिखाते हैं फ्रंट से। कबला की डायरेक्शन है, खूबसूरत है जी, बिल्कुल इस तरह का हमारा पिंड सुल्तानी का भी तकरीबन रेलवे स्टेशन है। ये पानी का मटका पड़ा हुआ है, नलके वाला ये खड़ा पड़ा हुआ है, तो इधर इसका मतलब है यहाँ पे कोई लोग या तो रहते हैं। ये पुराना ये टिकट घर है, सही मोटी इमारतें हैं, मोटे आपको दीवारें नज़र आएंगी, बहुत ही चौड़ी आप देख सकते हैं कि किस कदर चौड़ी टिकट घर है उसकी दीवार। ये इसका बैक एंड व्यू है, सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से उतर के आप काल की पुरशी को इमारत देख सकते हैं। सुकून सी जगह, हवा चल रही है, नहीं तो पहले भी यहाँ पे आया था और इसी तरह का मंजर था वो भी। ये जुलाई का मौसम है, लेकिन आज मौसम बेहतर है, गर्मी तो नहीं है लेकिन हवा चल रही है। ये स्टेशन के अंदर बेंचेस हैं, वो सीमेंट का बेंच है, ये एक दूसरी किस्म का बेंच है, ये भी आपको कम ही नज़र आएगा, और ये तीसरी किस्म का बेंच है। तो यहाँ पे तीन ये हैं और एक चौथा सीमेंट का बेंच भी पड़ा हुआ है अलग से। तो रेलवे में काफ़ी किस्म के बेंचेस यूज़ होते हैं, तो मैं आपको दिखा रहा था कि उनमें से कुछ ये हैं। इस साइड पे चले जाएं तो यहाँ मैं जब लास्ट टाइम आया था तो यहाँ पे एक बेंच पड़ा हुआ था, वो अब टूट गया, तो वरना ये दरख्त दो के बीच में एक सीमेंट का बेंच और हवा। जो रेल फैन है वो जानते हैं कि मैं किस चीज़ की बात करूँ। इट्स ब्यूटीफुल। वो सामने दूसरा बोर्ड है काल का, पहले हम आपकी राइट साइड पे थे स्टेशन के। तो ये सामने आपको लाइन नज़र आ रही है, ये अब जा रही है कुहाट की तरफ,
और यही आगे जंड और जंड से फिर लेफ्ट पे मियांवाली और मुल्तान की तरफ भी जाती है, मेहर एक्सप्रेस यहाँ से जाती है उस तरफ। आप जो दूसरी साइड है जहाँ से आ रही है वो पिंडी की साइड है, ये तरनौल और फतेहजंग पहले आएगा और फिर आगे तरनौल और फिर गोलरा और फिर पिंडी। ये भी रेलवे के क्वार्टर्स ये हैं, उसी तरह के लग रहे हैं, डॉटें बनी हुई हैं। और ये इस साइड पर शायद वाशरूम होंगे शुरू में, स्टेशन के अमले का रहाइश का है। लेकिन हर स्टेशन की तरह इवन जो एक्टिव रेलवे स्टेशन हैं उनके भी क्वार्टर्स ख़राब हैं बिल्कुल, और ये भी इसी तरह ही है, नो एक्सेप्शन। सब कुछ टूट फूट चुका है, जो चीज़ उतारी जा सकती है उतारी गई है, और अंदर अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ पत्थर, नथिंग एल्स। वो रेलवे स्टेशन है और ये इसके क्वार्टर्स। ये मेरे ख्याल में चक्की का कुछ है या वैसे कोई पत्थर किसी चीज़ का है, ये पता नहीं है। ये वो छोटी सी मस्जिद है जिसका मैं जिक्र कर रहा था, और वो बिल्कुल स्टेशन के साथ है, वो आपको स्टेशन नज़र आ रहा है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी करें। तो मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।